उत्तराखंड की दो हॉट सीटों में से एक हरिद्वार लोकसभा सीट पर एक बार फिर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। इस सीट पर बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह रावत को भारी मतों से चुनाव हराया। इस सीट पर चुनाव प्रथम चरण में 19 अप्रैल को हुआ था, जिस पर 59.01% मतदान दर्ज किया गया। हरीश रावत की गढ़ कही जाने वाली हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया था। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए ये सीट जीतना नाक का सवाल बन गया था। त्रिवेंद्र ने इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को पटखनी दी है। त्रिवेंद्र को जहां 6,53,808 वोट पड़े, वहीं वीरेंद्र को 4,89,752 मत मिले, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत का जीत का अंतर 1,64,056 वोटों का रहा। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी और खानपुर विधायक उमेश कुमार रहे। उमेश कुमार को कुल 91,188 वोट पड़े। दो जिलों की 14 विधानसभा से मिलकर बनी इस लोकसभा सीट पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। उन्होंने इस सीट को छोड़कर प्रदेश की अन्य चार सीटों पर भी प्रचार नहीं किया, जिसके बाद भी नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे। उधर त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत के बाद कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी इस जीत के लिए हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपनी जीत को जनता को समर्पित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।